हाय फ्रेंड्स, मैं सैफ इकबाल, आपका चहेता दोस्त और होस्ट। मैं आज बनाने वाला हूँ तला हुआ गोश्त। तला हुआ गोश्त के लिए मैंने मटन बोनलेस ला रखा है और मेरे पास एक सिगड़ी है, ऐसा सिगड़ी जो ये थोड़ा एक अलग तरीके का है। जैसे आयरन बॉक्स, जो पुराने ज़माने का आयरन बॉक्स है, उस आयरन बॉक्स के अंदर हमने चारकोल डालना है और उसके ऊपर एक स्टोन रखना है, फिर हम उसमें ग्रिल करना है। तला हुआ गोश्त के लिए मेरे पास यहाँ पे बोनलेस मटन है। ये बोनलेस थाई पीसेस है, मैंने ये बोनलेस ला रखा हूँ, थाई पीसेस है। अब ये मैं स्लाइस कट करना है। हमने इसको ऐसा पतला स्लाइस काटना है, इस तरह से। एक और ये, एक और हमने स्लाइस काट दिया है। अब इसको थोड़ा सा हैमरिंग करेंगे, ये और थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। अब हमें इस हैमर के थ्रू से इसको कूटना है ऐसा। ये अगर आप कूटते हैं ना, ध्यान रखना एक चीज, ऐसा दाग होना चाहिए ताकि इसके अंदर पूरा मसाला अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर से पलटी करना है हमें, दूसरे साइड से हमारे हैमरिंग हो चुका है। अब ये इसके अंदर डालते हैं। अब डालेंगे हम इसमें, सबसे पहले डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हमने डालना है इसमें नींबू। नींबू एक से दो, अब इसको मिक्स करना है। एक चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन मैंने डाला है और इसके ऊपर हमने नटमेग ग्रेट करना है ताकि मटन में जो टेंडर है वो गलने में थोड़ा आसान हो और इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया है। ज़्यादा नहीं घिसना, थोड़ा घिसना, ऐसा डस्टिंग करना होगा, होगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, एक से दो चम्मच। ये फर्स्ट मैरिनेशन हो गया। अब ये फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको 25 मिनट रखना है। गोश्त अगर हम बना रहे हैं उसके साथ में एक चटनी रखना बहुत ज़रूरी है। चटनी हम बनाएंगे टमाटर और लहसुन का। ये है सबसे पहले मेथी, मेथी थोड़ा सा रोस्ट होना चाहिए। फिर उसमें डालते हैं हम हल्का सा ऑयल, ऑयल हम डालेंगे दो से तीन चम्मच तक, ताकि टमाटर और लहसुन भुनने के लिए ऑयल होना चाहिए। इस लहसुन को कट करते हैं, लहसुन हो गया कट। मेथी देखिए फूट रहा है, अब आएगा इसमें लहसुन। लहसुन जैसे हल्का सा ब्राउन होके आएगा ना, तब फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। ये वाली मैंने दो टमाटर का चटनी बनाना है, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। टमाटर लहसुन दोनों पक रहा है, मैंने इसलिए बाद में सूखा मिर्ची तीन डालता हूँ ताकि ये सूखा मिर्ची का कलर और जो स्पाइसी है ये अच्छा रहेगा। बंद करता हूँ मैं, थोड़ी देर पकाना है
टमाटर जैसे गल जाएगा, फिर उसमें हम डालेंगे नमक और हल्का सा। टमाटर हल्के आंच में पकना चाहिए ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, चटनी लाल होना चाहिए हमें और थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए। 2 चम्मच इमली का पानी, बस। हमने जो गोश्त को फर्स्ट मैरिनेशन करके रखा था, ये अब 25 मिनट जिसका हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पूरा मसाला। सबसे पहले आएगा हल्का सा हल्दी और हमने इस पर डालेंगे लाल देगी मिर्च 2 चम्मच। अब आएगा इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच आएगा धनिया पाउडर। अब ये है पिसा हुआ गरम मसाला का पाउडर, ये है इलायची पाउडर और हल्का सा पोटली का मसाला, ये है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स करके फिर 10 मिनट रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, क्या स्मेल है इसका, इसका जो आरोमेट है ना, ये बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है। आप इसी तरह, आप इसका जो भी मैं मसाला है इसमें मिक्स किया हूँ ना, आप भी उसी तरह मिक्स करें और इसी तरह आप लोग भी बनाएं, ताकि कभी भी अगर आप बनाएंगे तो रेसिपी चेंज ना करें प्लीज़। हॉट प्लेट भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने डालना है इसमें ऑयल। अब हम डालेंगे इसके ऊपर गोश्त, जो गोश्त है वो मैंने मसाला मिला के आधा घंटा पहले से रखा हूँ, अब मैं इसको इस पे डालूँगा। धीरे धीरे बोला ही हमार, क्या फ्लेवर है, क्या टेस्टी है, क्या कलर है। धीरे धीरे हमने इसको थोड़ा पलटी करना है ताकि इसका जो दूसरा साइड है वो भी इसी तरह पकना है। अब ये एक साइड का अच्छी तरह से पक चुका है, अब मैं दूसरे साइड का इसका टर्न करना है। दोस्तों अगर आप इस तरह बनाने चाहते हैं, तरह बनाने चाहते हैं, आप ये बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल छोटा रेसिपी मैंने आपको दिया है। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर पे आप चाहते हैं इसे बनाने के लिए, आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो आपके पास हर हफ्ते मिल जाए। थैंक यू। मैं अभी इसको प्लेटिंग करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये